सत श्रीकाल नमस्कार, मैं हाँ दीपक भंडारी, तुसी देख रहे हो डी फोर न्यूज़। चर्चा करांगे दिन भर दीआं वड्डीआं खबरां ते। पंजाब दे मुख्यमंत्री भगवंत मान ने जम्मू कश्मीर दे विच शहीद होए जवानां दे परिवारां नूं एक एक करोड़ रुपया मुआवजा देण दा ऐलान कीता है। तुहानूं दस दईए कि वीरवार नूं पुंछ दे विच अतवादी हमले दे दौरान पंज जवान शहीद हो गए सन, जिन्हां दे विचों चार जवान पंजाब दे सन। इन्हां शहीदां दे विचों बठिंडा दे तलवंडी साबो दा सेवक सिंह, मोगा दे पिंड चड़क दा कुलवंत सिंह, लुधियाना जिले दे दुराहा दा मनदीप सिंह ते बटाला दे पिंड तलवंडी परथ दा जवान हरकिशन सिंह शामिल सन। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ट्वीट करके आख्या है कि राष्ट्रीय राइफल्स दे पंज जवान, जिन्हां दे विचों चार जवान पंजाब तो सन, एक अतवादी हमले च शहीद, सरहदां ते रखवाले अमर रहन, परिवारों वाहेगुरु पाणा मनन दा बल बख्शे, प्रणाम शहीदां नूं। तुहानूं इह वी दस दईए कि जम्मू कश्मीर दे पुंछ दे विच वीरवार नूं अतवादी हमला होया सी, जिहदे विच पंज जवान शहीद हो गए सन। इस तों बाद सुरक्षा एजेंसियां वल्लों भाल कीती जा रही है बाटा डोरिया खेत्र दे संघने जंगली खेत्र दे विच वड्डे पद्धर ते तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। पूरे इलाके की घेराबंदी कर दिती गई है ते अतवादियों का पता लाने लई ड्रोन ते कुत्तियां दी भी मदद लई जा रही है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अपने पिता नूं लैके भी एक किस्सा सुनाया। जदों अज चंडीगढ़ दे विच खिडारियों नूं प्रेरित करदे होए संबोधित कर रहे सन ते उन्होंने अपने पिता का किस्सा सुनाया ते आख्या सारयां दे माता पिता अपने बच्चों नूं पढ़ाई च चंगा वेखना चाहुंदे ने। माता पिता अपने बच्चों नूं खेडां जां कलाकारी दे विच ज़्यादा दिलचस्पी नहीं रखदे वेखना चाहुंदे। मान ने आख्या कि उन्होंने पिता मास्टर सन ते मैनू अफसर जां इंजीनियर जां डॉक्टर बनाउणा चाहुंदे सन। जदों मैं कलाकारी दे क्षेत्र दे विच शुरुआत कीती तां मेरे पिता मैनू झिड़कदे सन किधर समां खराब कर रहे हैं। हौली हौली जदों मैं अपने पिंड च मशहूर होया अते फिर पंजाब च हिट होया तां मेरे पिता माण महसूस करन लगे। एक वारी की होया मेरे डैडी टीचर सीगे, सरकारी मास्टर सीगे, ते पहला तो कहते पहले तो विरोध करते रहे जो मैं कलाकारी वाल आया ना, यही कम करने अपने पढ़ा करो आप मास्टर से। जो मैं मशहूर हो गया बापू भी मशहूर हो गया नाल पुआ तमा डैडी कहन लग गया उन्हों, फिर वो थोड़ा कहनों हट गया। फिर एक दिन की होया पटियाले के नेड़े भानरा पिंड है, उत्थे वो पढ़ाते सी हेडमास्टर सी, उन्हें एक सरकारी चिट्ठी आई एजुकेशन डिपार्टमेंट वालों खाखी रंग की, उत्ते लिखा होंदा पंजाब सरकार सेवा हित, वो मैं पढ़ी उत्ते लिखा होया महेंद्र सिंह फादर ऑफ भगवंत मान हैडमास्टर गवर्नमेंट मिडल स्कूल भानरा। मैं क्या डैडी ये सन ऑफ तो चलता है, ये फादर ऑफ भगवंत मान क्यों चलता भी सरकारी कागजा च? वो कहते मैं ही दस्या हो उन्होंने भी ए लिख दिया करो तेरे ना करके चिट्ठी थोड़ी छेती आ जाती। फिर एक इंटरव्यू कह लग गए पत्रकार आ गए की कहना चाहोगे? हाँ जी बच्चा बहुत टैलेंटेड सी, पहला तो बच्चे का मन सी। मैं भी फिर रोकया नहीं, मैं भी बच्चे बहुत एप्रीशिएट किया, मैं झूठ बोलता है झूठ बोलता, मैं बहुत रोकया जी, इन्होंने बहुत रोकया, थोड़े च भी होगा ये बागी होके बनते आप कलाकार हो गया खिडारी हो गया बागी हो गए लड़के घरदों रुस रस के भी जाना पैंदा भूआ को। फिर भूआ कह दें चल कोई नहीं खेड लैन के जवाक में की होंगे, फिर की होंगे ऐं जे करके जो मैडल आ जाता है तारियां बजते हैं उही बच्चे उ बापू जी इंटरव्यू देंदे फिर देंगे। हाँ जी बहुत खुशी हुई है जी, पिंड का माण बहुत बढ़िया जी, देश का माण बढ़िया। सो मैं थोनू कहना कि अपने आप कुछ करोगे तो नहीं तो सारे नाल ने थोड़े, फिर चढ़ते सलामा ने जी, चढ़ते सलामा ने। पत्रकारों के सवालों के जवाब देंदिया मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अज आख्या है कि बर्खास्त किए गए SSP राजजीत सिंह नूं छेती ही फड़ लिया जाएगा। जो पत्रकारों ने उन्होंने पूछा कि कार्रवाई करन च इन्ना समा क्यों लगाता तो उन्होंने आख्या कि वह PPSC के थ्रू भर्ती होया सी, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन तो ही परमिशन लैन तो बाद राजजीत सिंह नूं बर्खास्त किया जा सकता सी। इस तो पहला कभी एड्डी वड्डी कार्रवाई नहीं हुई है। उन्होंने भी आख्या कि यह तो कला राजजीत नहीं, अगे अगे वेखियो की होंदा, हजे तो बहुत सारे लोग फड़ने होर बाकी ने। पहला कहने राजजीत तो कहते केस क्यों नहीं कर लिया, के कर लिया? एक प्रोसैस है जी,
वो एक PPS अफसर से, PPS कमिशन वालों सानू परमिशन लेनी पई पहला कि उन्होंने बर्खास्त करना है। बर्खास्त की दे ऑर्डर होम मिनिस्ट्री ने कढ़े, फिर वो जी प्रॉपर्टी है उन्हों जोड़िया विजिलेंस वालों के जाँच करो, उदी FIR हुई है, गिरफ्तारी भी हो जूगी। सो ये ना हो कि आओ जी अज ही यदा रिजल्ट आ गया। हजे तो राज जी तो अगे देखो की निकलता है ना, राज जी तो जो अगे जावे जोड़े बड़े है वो तो हजे पे ने। आम आदमी पार्टी के MLA गोल्डी कंबोज के पिता सुरेंद्र कंबोज को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने उत्ते रिश्वत के दोष लगे ने। विजिलेंस ने गोल्डी कंबोज के पिता उत्ते रिश्वत को लैके शिकायत दर्ज की सी। जानकारी के मुताबिक प्रॉपर्टी डीलर सुनील कुमार वालों पुलिस को शिकायत दी गई सी। शिकायत में उसने दसिया कि वह प्रॉपर्टी डीलरिंग का काम करता है, तो रानो बाई उसके कोल मकान दिखाने लई आई सी, वो उसनू घर दिखाने लई एक थां ते लै गया सी। उस दिन शाम नू उसनू रानू बाई का फोन आया कि मेरे परिवारक मैंबरों नू शक है कि साढ़े दोवों का अफेयर चल रहा, बस उस तो बाद मैनू उन्होंने घरों फोन आने शुरू हो गए। उन्होंने जबर जना दे केस विच फसाउण दी धमकी भी दी गई। इस तो बाद सुरेंद्र सिंह कंबोज का भी फोन आया ते क्या के इत्थे आके समझौता कर लो, ये वास्ते 10 लाख रुपए की मांग की गई, जिस तो बाद पुलिस नू शिकायत की गई सी। इस दे उत्ते मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है, तो आख्या कि साड़ी सरकार दे विच भावें कोई किड्डा भी पावरफुल क्यों ना होवे, कोई भी MLA होवे या कोई भी मंत्री होवे, जिहड़ा कोई भी भ्रष्टाचार करेगा उस दे खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पहलियां सरकारां वांगू नहीं कि अपने लोगों नू क्लीन चिट दे के छड़ दिओ। देखो इस कानून सारे वास्ते एक ही है, चाहे मंत्री है चाहे संतरी है, ठीक है ना। असी कोई ये नहीं देखते, मैं पहला भी कह चुके हैं, असी ये नहीं देखते कि ये कौन है, ये किहदा बापू है या किहदा चाचा है किहदा भतीजा है। सो जे कोई गलत काम करूगा तो भुगतूगा, कबीरा तेरी झोंपड़ी गल कटियन के पास, जो करनगे सो भरनगे तू क्यों पिया दास। सो जिते भी जिन्हें भी कोई कानून तोड़िया जा कोई गलत तरीके ना कोई पैसा कमाने की कोशिश करूगा तो वो जिहदा मर्जी होवे असी एक्शन लवेंगे, तो उन्होंने भी लै रहे हैं। तो फिर साढ़ा फर्ज भी बनता है कि जी साढ़े चो कोई इस तरह का हैगा तो असी एग्जामिन करके उन्होंने जो असी ऑलरेडी तुसी कहिंदे सी ना कि राजजीत दा केस खिंचदे, ऑलरेडी असी अमित रतन जिहड़ा कोट फत्ते वाला साडा जिहड़ा MLA सी उहदे चार्जशीट जा रहा जिहड़ी है दाखिल करती, 120B दा भी लाया नाल, ये शायद तुसी दिखाई नहीं होनी। चलो शुक्र है, शुक्र है। तो मतलब असी सख्त तो सख्त धारावां लाइया ने, क्योंकि जे मैसेज देना तो फिर इतनी देना पऊगा। जे तुसी ये थोड़ी हो जाऊगा कि आपदे वाले नूं तुसी कहोगे नहीं ये तो साडे ने बगाने ते तुसी ओह कर जाओगे नो। इस ते BJP लीडर डॉक्टर राजकुमार वेरका की भी प्रतिक्रिया आई है। बई आम आदमी पार्टी दे एक किसे नूं भी चैक करके देख लो भाई, इन्हां दे विच 80% लोगों का क्रिमिनल रिकॉर्ड है, ते नाले सुरेंद्र कंबोज ते गोल्डी कंबो ये तो बई मशहूर आ, ये लुटा खोवां दे विच, ये डाके मारन दे विच, ये रिश्वतखोरी दे विच, बई आम आदमी पार्टी दी मैं कहा जिहड़ियां इट्टां लगियां चबारे नूं ये सारियां गंदियां इट्टां है। ते भगवंत मान जी होश करो, बार दा रस्ता दिखाओ इस MLA नूं। तुहानूं दस दईए कि गोल्डी कंबोज आम आदमी पार्टी दे विधायक ने, ते जलालाबाद तो उन्होंने चोण लड़ी सी। उन्होंने श्रोमणी अकाली दल दे प्रधान ते साबका डिप्टी मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल नूं हराया सी। गोल्डी कंबोज का कहना है कि उन्हां दा अपने पिता नाल कोई लेना देना नहीं है। 75 साल बाद भी तुसी अपने मुल्क दा हाल वेख सकते हो कि पेंशन लैण लई एक 70-75 साल की बजुर्ग महिला नूं किस तरह टुट्टी कुर्सी दे सहारे कई किलोमीटर तक चलना पैंदा है, ते जिहदा संज्ञान लिया देश की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने। उड़ीसा की एक बुजुर्ग महिला है कि पेंशन लैनी सी, इन्हें धुप दे विच किस तरह पैदल कुर्सी दे सहारे ये औरत चल रही है, ते ये वीडियो सोशल मीडिया से खासी वायरल हो रही है। निर्मला सीतारमन जिहड़े कि देश के फाइनेंस मिनिस्टर ने, वो ट्वीट करते हैं तो बैंक नूं आंदे ने कि तुहानूं इंसानियत विखाउणी चाहीदी है। बैंक नूं इह वी पुछिया जांदा कि तुहाडा बैंक कोई मित्र नहीं है, एक ट्वीट किया है, तो उस तो बाद बैंक मैनेजर भी जवाब देता है, तो कहता है फाइनेंस डिपार्टमेंट SBI ये मामले के
जिहड़ा छेती ही कुछ ना कुछ करेगा। मैनेजर का जवाब आता है कि उहदी औरत दीआं उंगलियां टुटियां हुई सन, इस करके उहनूं पैसा कढ़ाउण वास्ते मुश्किल आ रही सी, पर इस समस्या नूं असीं छेती सुलझा देंगे। सब तो वड्डा सवाल है कि इंसानियत गई कित्थे। ये बैंक वाले आखिर करदे की ने, पैसा इन्होंने अपने घरों नहीं देना, सरकार जिहड़ी पेंशन देंदी है उही पैसा इन्होंने इन्हां गरीबां नूं देना है। तो 75 साल दे विच तुप्पे एक जिहड़ी औरत है तुर नहीं सकदी, किन्नी मुश्किल उहनी हुंदी होएगी कि उहनूं कुर्सी प्लास्टिक दी कुर्सी दे सहारे कई किलोमीटर उहनूं तुरना पैंदा है। गल्लां तां असीं बड़ियां बड़ियां करदे हां, पर अज वी साडे आजाद भारत की तस्वीर यह है। एक पासे असी दुनिया की नंबर वन जनसंख्या दे विच नंबर वन साडा मुल्क हो गया, तो सुविधावां हजे भी इत्थे किहो जिहियां लोकां नूं मिलदियां पईआं। देश की आजादी के 75 साल के बाद भी लोग किस तरह धक्के खाण ते मजबूर ने, आखिरकार इहदा जवाब कौन देगा, इहदी भरपाई कौन करेगा। पंजाब विजिलेंस ब्यूरो वालों रिश्वतखोरी के विरुद्ध चलाई गई मुहिम के दौरान अज राजन कुमार जेई बिजली उपमंडल दो पंजाब लोक निर्माण विभाग बठिंडा नूं 12,000 रुपए रिश्वत हासिल करने वाले ते 7,000 रुपए होर रिश्वत की मंग करने के दोष के हेठ गिरफ्तार कर लिया गया। विजिलेंस ब्यूरो ने दस्या कि राजन कुमार नूं गुरमेल सिंह वासी मौड़ मंडी जिला बठिंडा वालों मुख्यमंत्री की एंटी करप्शन एक्शन लाइन उत्ते की गई शिकायत के आधार पर गिरफ्तार किया गया। उन्होंने दस्या कि शिकायतकर्ता गुरमेल सिंह ने दोष लाया कि राजन कुमार जेई वालों पिंड कराड़वाला जिला बठिंडा विखे मोहल्ला क्लीनिक की मुरम्मत से किए गए कामों संबंधी तो बिजली के बिलों को पास करने के बदले 5% के हिसाब के नाल रिश्वत मंगी गई सी, जिहड़ी कि 12,000 रुपए बनती सी। एक होर केस दे विच विजिलेंस ब्यूरो वालों अज पटियाला दे थाना सदर दी पुलिस चौंकी रामनगर दे इंचार्ज ASI पलविंदर सिंह ते पंजाब होमगार्ड दे वलंटियर सत्यपान नूं 10,000 रुपए की रिश्वत मंगन ते लैंदियां रंगे हत्थी गिरफ्तार कर लिया गया। विजिलेंस बुलारे ने दस्या कि पलविंदर सिंह अते सत्यपान नूं रणधीर सिंह वासी चीका हरियाणा की शिकायत ते गिरफ्तार किया गया। विजिलेंस वालों दस्या गया कि शिकायतकर्ता ने यह दोष लाया सी कि पलविंदर सिंह अते वलंटियर सत्यापान ने उसके 3 ट्रकों नूं बेरोक टोक पंजाब दे विच दाखल होने दे लई हर महीने 30,000 रुपए की रिश्वत की मंग की सी। इसकी शिकायत की मुरली जांच तो बाद पटियाला रेंज की विजिलेंस ने दी टीम ने जाल बिछाया ते दोवां पुलिस मुलाजमान नूं दो सरकारी गवाहां की हाजिरी के 10,000 रुपए रिश्वत लैंदियां मौके पर ही काबू कर लिया। देसी राजधानी दिल्ली दियां अदालतां भी हुण सुरक्षित नहीं रहियां ने। साकेत कोर्ट के सवेरे एक औरत नूं गोलियां मार दित्तियां गईयां। पति पत्नी विचाले चल रहे मामले दे विच औरत गवाही देने लई अदालत दे विच आई सी, औरत नूं हस्पताल दे विच दाखल कराया गया। जानकारी मिली है कि वकील ब्लाक नेड़े वकील की ड्रेस दे विच पुजे इस औरत दे पति ने ही उसनूं गोलियां मारियां। दिल्ली पुलिस के मुताबिक यह औरत दिल्ली की साकेत अदालत के एक मामले दे विच अपने पति के खिलाफ गवाही देने लई आई सी। जदों तो पहला ही उसका पति उसका इंतजार कर रहा है, जदों ही औरत आती है तो वह उसको गोलियां मार देता है। हमारे यहाँ एक लॉयर थे कामेश्वर प्रसाद सिंह, कामेश्वर प्रसाद सिंह एलियास मनोज सिंह, उन्होंने हमारे यहाँ एक राजेंद्र झा एडवोकेट थे, उनकी क्लाइंट थी एक लेडी, उसको 25 लाख रुपीज RTGS से वाइट में दे रखा था ब्याज में, वो उससे पैसे मांग रहे थे, पैसे नहीं दे रहे थे। बाद में FIR हो गई थी, FIR होने के बाद शायद उनकी बेल वेल हो गई, तो उसके बाद इन्होंने आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन उस लेडी पे ये फायर किया है और इनका पहले भी किसी से डिस्प्यूट चल रहा था, लैंड डिस्प्यूट, उसको लेके बार काउंसिल ऑफ दिल्ली ने लाइसेंस इनका सस्पेंड कर रखा था, हमने भी कर रखा था, मेंबरशिप को सस्पेंड कर रखा था। ये हो गया मेरे ख्याल से 6-7 महीने। इंटरिम बेल का मैटर हाई कोर्ट में चल रहा था और इसको हाई कोर्ट ने इंटरिम बेल कंडीशन पे दी थी। वो उसके कंडीशंस में एक कंडीशन ये भी था कि इसका फर्दर मीडिएशन चलेगा और जितना भी चीटिंग का अमाउंट है वो रिटर्न करेंगी। मीडिएशन के लिए ये लेडी आई हुई थी और हमारी साकेत कोर्ट की FIR का जो विक्टिम है, इस इंसिडेंट का जो अक्यूज्ड है,
वो भी मीडिएशन के पर्पज़ के लिए आया हुआ था। वो यहाँ पे एज अ लॉयर काम करता था, काफ़ी सालों से काम करता था। ही वॉज इन हिज लॉयर्स यूनिफॉर्म। वो अंदर घुसा है और उसने चार राउंड फायरिंग की है, जिसमें से तीन राउंड विक्टिम को हमारी लगी है, एम राधा नाम की विक्टिम है, विक्टिम को लगी है, और एक राउंड फायर एक वकील का मुंशी है उसको लगी है। दोनों आउट ऑफ डेंजर है, दोनों को डिस्चार्ज कर दिया गया है। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने दुबई तो दिल्ली जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट के एक पायलट उत्ते कार्रवाई करने लिए आख्या। पायलट ने 26 फरवरी को सुरक्षा नियमों की उलंघना की सी। फ्लाइट के एक क्रू मैंबर ने शिकायत की है कि पायलट ने अपनी महिला दोस्त को कॉकपिट के विच एंट्री करवा दी, दोवें एक घंटे तो वध समय उत्थे रहे। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने मामले की जांच के हुक्म दिए। एयरलाइन ने पायलट को जांच तक उड़ान भरन से उस रोक ला दी है। एक अंग्रेजी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक पायलट उत्ते दोष हैं कि उसने कॉकपिट को लिविंग रूम बना के रख दिता। उसने पहला कैबन क्रू को अपनी महिला मित्र का स्वागत करने लिए आख्या। पायलट ते ये भी दोष है कि उसने बिजनेस क्लास दे विच अपनी इस दोस्त नू रोटी भी खवाई। एयर इंडिया दे बुलारे ने इस मामले ते कोई भी टिप्पणी नहीं की है। क्रू मैंबर की शिकायत के मुताबिक पायलट ने कैबन नू क्रू तो पूछा कि बिजनेस क्लास दे विच कोई सीट खाली है, क्योंकि उसकी दोस्त इकनोमी क्लास दे विच सफर कर रही थी। पायलट चाहता सी कि इस नू अपग्रेड कर दिया जाए। चालक दल के मैंबर ने उसे दसिया कि कोई सीट खाली नहीं है, तो पायलट ने कॉकपिट के विच ही एक आरामदायक बिस्तरा लगवा दिता। इस तो अलावा उत्थे स्नैक्स ते शराब का प्रबंध करने लिए भी आख्या। जे घटना सच्ची है तो बहुत सारे यात्रियों की जान को मुश्किल च इस पायलट वालों पा दिता गया सी। कॉकपिट के विच किस तरह बिस्तरा विछाया गया ये जांच का विषय है। जे वाकई ये खबर सच है, ये आरोप सच ने, तो पायलट के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16वें सिविल दिन ते आईएएस अधिकारियों नूं आख्या कि जेड़े राजनीतिक दल सत्ता च आए ने उन्हां ते ध्यान रखो कि वह टैक्स पेयर का पैसा जड़ा इस्तेमाल अपनी पार्टी वास्ते कर रहा है या फिर देश हित लई कर रहा है। यह वेखना तुहाडा काम है। सरदार पटेल जिन्हां ने ब्यूरोक्रेसी नूं स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया आख्या सी, उन्हूं पूरा करना है। ब्यूरोक्रेसी तो जे थोड़ी जी भी चूक हो जाती है तो देश का पैसा लुटिया जाएगा। दिल्ली के विज्ञान भवन के प्रधानमंत्री ने आख्या देश ने तुहाडे ते बहुत भरोसा किया है, तुहानू मौका दिता है, तो तुहानू भी इस भरोसे नू कायम रखना चाहिए। साथियों, किसी भी लोकतंत्र में राजनीतिक दलों का बहुत महत्व होता ही है और यह आवश्यक भी है और ये लोकतंत्र की ब्यूटी है। हर दल की अपनी विचारधारा होती है। संविधान ने हर दल को यह अधिकार दिया है, लेकिन एक ब्यूरोक्रेट के तौर पर, एक सरकारी कर्मचारी के तौर पर अब आपको अपने हर निर्णय में कुछ सवालों का अवश्य ध्यान रखना ही पड़ेगा। जो राजनीतिक दल सत्ता में आया है वो टैक्स पेयर्स मनी का इस्तेमाल अपने दल के हित के लिए कर रहा है या देश के हित के लिए कर रहा है, उसका उपयोग कहां हो रहा है, ये आप लोगों को देखना ही होगा। दोस्तों, वो राजनीतिक दल अपने दल के विस्तार में सरकारी धन का उपयोग कर रहा है या फिर देश के विकास में उस पैसों का इस्तेमाल कर रहा है। वो राजनीतिक दल अपना वोट बैंक बनाने के लिए सरकारी धन लुटा रहा है या फिर सभी का जीवन आसान बनाने के लिए काम कर रहा है। वो राजनीतिक दल सरकारी पैसे से अपना प्रचार कर रहा है या फिर ईमानदारी से लोगों को जागरूक कर रहा है। वो राजनीतिक दल अपने कार्यकर्ताओं को ही विभिन्न संस्थाओं में नियुक्त कर रहा है या फिर सबको पारदर्शी रूप से नौकरी में आने का अवसर दे रहा है। वो राजनीतिक दल नीतियों में इसलिए तो फेरबदल नहीं कर रहा ताकि उसकी आकाओं की काली कमाई के नए रास्ते बने,
आप अपने हर फैसले से पहले इन सवालों के बारे में जरूर सोचें। सरदार पटेल जिस ब्यूरोक्रेसी को स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया कहा करते थे, उसी ब्यूरोक्रेसी को उनकी अपेक्षाओं पर भी खरा उतरना है, क्योंकि अब अगर ब्यूरोक्रेसी से चूक हुई तो देश का धन लूट जाएगा, टैक्स पेयर्स मनी तबाह हो जाएगा, देश के युवाओं के सपने चकनाचूर हो जाएंगे। अजले बस इना ही करता, फिर उड़ होंगे, तब तक दूसरा इजाजत, सत श्री अकाल, नमस्कार।